देखो जब हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं हाफ बेस इनटू हाइट तो आपके पास अगर इस तरह का ट्राइंगल है बेस ये पार्ट देखो यहां से इससे कोई भी ट्राइंगल होगा आपका तो आप इस तरह से उसकी हाइट निकालोगे ठीक है जी तो बेस समझ में आ गया हाइट समझ में आ गया ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है जो हमने शुरू से सीखा हुआ है नेक्स्ट है हमारे पास अब देखो अगर हम ट्राइंगल्स की टाइप की बात करें पहली बात तो ये मैंने तीन ट्राइंगल्स लिए हैं। इसके अलावा भी है सबसे पहले तो देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सभी साइड इक्वल होती है राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें क्या होता है हमारे पास एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है रिमेंबर देन आइसोसेलस ट्राइंगल वो होता है जिसमें हमारे पास दो साइड्स सेम होते हैं जैसे तो ये और ये सेम है मान लो अगर ये फाइव सेंटीमीटर है तो ये भी फाइव सेंटीमीटर होगी ठीक है अब इसके अलावा हमने स्केलिन ट्राइंगल पढ़ा है उसमें क्या होता है सा, तीनों साइज डिफरेंट होती है एंड एक्यूट एंगल ऑप्ट्यूज एंगल बट वो सभी बेसिकली इसमें कवर हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे तीन टाइप के लिए तो अब अगर देखो इनमें आपको निकालना है एरिया तो जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं उसका एरिया निकालना तो बहुत सिंपल है जो हमने फॉर्मूला किया हुआ है एरिया हमारा होता है हाफ बेस इंटू हाइट है ना जी सो so, हाफ अब बेस देखो इसका थ्री सेंटीमीटर गिवन है मतलब इंटू थ्री हो गया हाइट फाइव सेंटीमीटर गिवन है और ये तो हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि यहाँ पे हमें हाइट और बेस ही चाहिए सो ये हो गया जी कैंसिल तो कुछ होगा नहीं फाइव थ्री फिफ्टीन अपॉन टू ठीक है अगर इसे पॉइंट में भी करें तो ये आ जाएगा सेवन पॉइंट फाइव ठीक है तो इस तरह से एरिया निकाल लिया हमने सिंपल अगर राइट एंगल ट्रायंगल है नेक्स्ट अगर हमारे पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें ये तो पता है कि सारी साइड्स दे रखी है हमें लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है सो so, अगर हमें एरिया निकालना है अपना सेम हाफ बेस हाइट सेम तो जी बेस तो है मेरे पास हाइट नहीं है तो इस केस में हम पहले निकालते हैं हाइट है ना हाइट निकालनी पड़ेगी हमें अब हाइट कैसे निकालते हैं इसके लिए हम यूज करते हैं थ्योरम कैसे आई राइट हियर नाउ यूजिंग पायथागोरस थ्योरम अगर हम पायथागोरस थ्योरम की बात करें सो उसके अकॉर्डिंग ये जो हाइपोटेनस है अगर मैं ये वाला ये डी हो गया सो अगर मैं ए बी डी इस ट्राइंगल की बात करते हो तो हाइपोटेन्यूस कौन सी है ए बी सो ये हमारा हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर अब इस ट्राइंगल में बेस है बी डी अगर मान लो ये जो है ए डी हम कहते हैं एक मीडियन हो गया मतलब इसको हाफ में डिवाइड कर रहा है सो बी डी हमारा बेसिकली फाइव सेंटीमीटर हो जाएगा है ना प्लस नाउ हाइपोटेन्यूस बेस एंड हाइट हाइट क्या है ए जो हमें फाइंड करनी है ठीक है पाइथागोरस थ्योरम तो क्लियर है ना ए बी का स्क्वायर ए बी है टेन मतलब टेन का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर विच इज फाइव मतलब फाइव का स्क्वायर प्लस ए डी ए डी कितना है फाइंड करना यही तो हाइट है ना सो so, इसका स्क्वायर ना ये तो हो गया टेन का स्क्वायर हंड्रेड फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी होगा डायरेक्ट इधर ले आओ माइनस ट्वेंटी फाइव होगा इक्वल्स टू ad स्क्वायर ये जो मैं करके दिखा रही हूँ ये भी याद रखना बिकॉज़ क्वेश्चंस में हम इसको भी यूज करने वाले हैं सो so, 100 में से 25 माइनस करेंगे 75 आ गया इक्वल्स टू ad का स्क्वायर अब यहां पे अगर ad निकालना है सो so ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 75 ठीक है ना यहां तक क्लियर है अब देखो आगे हम इसको लिख सकते हैं अगर हम 75 का

मिल गई सो so, अगर मैं इसी फॉर्मूले को अप्लाई करूं सो एरिया इक्वल हो गया हाफ बेस क्या है पूरे ट्राइंगल की बात हो रही है बेस है अभी निकाली है हमने फाइव अंडर रूट थ्री ठीक है जी अभी तो कैंसिल हो जाएगा टू और टेन ये आ गया फाइव 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 ट्वेंटी फाइव सो दिस इज ट्वेंटी फाइव अंडर रूट थ्री सो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ठीक है सो यहाँ पे जब आपके पास इक्वेगर ट्राइंगल जब राइट एंगल ट्राइंगल था तब तो हमारे पास सिंपल से हाइट थी ही लेकिन ट्राइंगल में पहले हमें हाइट फाइन करनी पड़ी फिर हमारा एरिया है अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पे सो so, है हमारे पास आइसोसेल ट्राइंगल अगेन सेम चीज आइसोसेल ट्राइंगल में भी आपके पास हाइट नहीं होगी तो हाइट आपको निकालनी पड़ेगी सो so, फिर से वही करते हैं यूजिंग पायथागोरस थ्योरम अब पायथागोरस थ्योरम की हेल्प से सेम चीज होगी हाँ, अगर हम इसको अगेन डिवाइड कर लेते हैं यहां से हमने इसकी हाइट निकालने के लिए एक स्ट्रेट लाइन बना दी एंड इसको पॉइंट को नाम दे दिया डी एंड दिस इज लेट सपोज दी मीडियम तो इसने बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना पायथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर ओके जी एबी का स्क्वायर क्या होगा एट का स्क्वायर इक्वल्स टू एडी का स्क्वायर क्या होगा एडी तो हमें फाइंड करना है तो इसको मैं ऐसे लिख देंगे एडी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर सो जी हो square, 64, square, so, ये हो गया एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर सो ये हो गया सिक्सटी फोर माइनस फोर इक्वल्स टू आ गया ए डी का स्क्वायर सो जी एडी हमारा हो जाएगा अंडर रूट में सिक्सटी फोर माइनस फोर इज सिक्सटी अगेन सिक्सटी तो किसी का स्क्वायर है नहीं सो so, इसको करो प्राइम फैक्टराइज सो ये टू से करेंगे अगर हम ये हो गया थर्टी फिर से टू से कर सकते हैं फिफ्टीन फिर हम इसको थ्री से कर लेंगे फाइव फाइव एंड वन सो so, देखो जरा क्या आया हमारे पास टू इन टू इंटू थ्री इंटू फाइव सो so, ये टू का पैर तो आ गया, बाहर रूट में बचा फि so, ये आ गई हमारी हाइट अब हाइट है बेस है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा देते हैं सो so, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट सो so, जी ये हो गया हाफ बेस क्या है अब पूरे ट्राइंगल की बात हो रही है तो बेस है फोर हाइट अभी हमने निकाली है टू

एक फॉर्मूला में दे रहा हूँ इससे बस आपको साइड चाहिए ट्राएंगल की और कोई भी ट्राइंगल हो किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो उसका एरिया निकल जाएगा तो उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये एस क्या है ए क्या है बी क्या है सी क्या है लेट्स सी एस होता है सेमी पेरिमीटर. अब पेरीमीटर तो सुना हुआ है सेमीपेरीमीटर क्या होता है देखो जब हम बात करते हैं पेरीमीटर की जैसे कि लेट सपोज ट्राइंगल की बात करते हैं ये एक ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर क्या होगा इसकी जितनी भी साइड्स है उसका सम जैसे अगर लेट सपोज ये फाइव है लेट सपोज ये फोर है एंड ये वाली हमारे पास सिक्स है तो पेरीमीटर हो जाएगा फाइव प्लस फोर प्लस सिक्स फोर टेन फिफ्टीन फिफ्टीन हो गया सो इन दिस केस पेरीमीटर हमें पता है सम ऑफ ऑल साइज होता है लेकिन जब हम सेमी पेरीमीटर की बात करते हैं तो वो हमारा बेसिकली होता है पेरीमीटर का हाफ पेरीमीटर का हाफ मतलब सारी साइज का सम का हाफ कर दो क्लियर हो गया सेमी पेरीमीटर क्या होता है सेमी so पेरीमीटर होता है हमारा पेरीमीटर का हाफ अब ये एस तो समझ आ गया इतनी बार देखो वन टू थ्री फोर टाइम्स एस है ये समझ आ गया अब ये एबीसी क्या है एबीसी साइड्स ऑफ ट्राइंगल जैसे लेट सपोज ये ए हो गया ये बी हो गया और ये नीचे वाला सी हो गया सो ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ठीक है जी आप समझ आया ये एस क्या है ए क्या है बी क्या है और सी क्या है सो so, सेमीपेरीमीमीटर क्या होता है of all sides. Upon में कर दो two. तो हमारा आ जाएगा सेमीपेरीमीटर ठीक है समझ में आया इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं ज्यादा क्लियर हो जाएगा सो so, यहाँ पे हम हम लेते हैं एक एग्जांपल ये ले लिया अब ये अब ये कौन सा ट्रायंगल है ये है हमारा स्केल इन ट्राइंगल अब इसमें अगर मुझे यहां पे नॉर्मल अपने फॉर्मूला से करना पड़ता है इसकी हाइट वगैरह चाहिए होती और इंफॉर्मेशन चाहिए होती बट यहां पे मैं मुझे इसकी हाइट निकालने की जरूरत ही नहीं है मेरे पास तीनों साइड्स हैं मैं ही से सॉल्व कर सकती हूँ सो लेट्स बिगिन यूजिंग हीरोला अब हम यूज करके इसको करने वाले हैं सॉल्व उससे पहले मैं लिख लेती हूँ ए क्या है बी क्या है फोर्टीन एंड सी क्या है सिक्स अब इसका भी कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है कि यही ए लेना पड़ेगा ये बी और ये सी किसी भी उसमें ले सकते हो बस तीनों डिफरेंट साइज है ठीक है जी सो so, सबसे पहले तो एसी निकाल लेते हैं क्या होगा सम ऑफ साइज अपॉन में टू ठीक है जी सो so, ये हो गया सिक्स प्लस फोर टेन प्लस टू ट्वेल्व एंड ये आ गया थ्री थर्टी टू अपॉइंट टू विच इज सिक्स आ गया 16, A, B, C आपके पास है क्या होता है अंडर रूट में एस एस माइनस ए देन एस माइनस बी एंड देन एस माइनस सी ओके जी समझ में आया आप करते हैं वैल्यूज को पुट

4 हो गया 16 minus 14 14 15 16 2 हो गया देन 16 minus 6 10 हो गया अब देखो कायदे से हमें क्या करना चाहिए इसमें सबको मल्टीप्लाई कर लो देन जो नंबर आए उसका प्राइम फैक्टर कर दो एंड देन देख लो रूट से बाहर क्या-क्या आ रहा है सो इतना लंबा करने की जगह हम इसको सिंपल भी तो कर सकते हैं सो नाउ अब देखो जरा 16 है मेरे पास 16 को आई कैन सिंपली डू फोर इंटू फोर तो एक ऑप्शन तो ये है फोर का जब पैर ही आ है, तो उसको फोर इंटू फोर लिख दू लेकिन अगर हम इसे टू इंटू टू लिख, तो लिख सकती हूँ अब टू हमारा प्राइम नंबर तो दैट मीन सिक्सटीन को मैं चार टाइम्स टू लिख सकती हूँ मतलब सिक्सटीन की जगह लिख दिया टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू ठीक है जी समझ में आया अगेन फोर को लिख सकते हैं टू इंटू टू सो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं पूरे को मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टराइज करने की जगह पहले ही हम numbers को करते हुए चल रहे हैं, so next बचा हमारे पास वो तो लिखना पड़ेगा देन है हमारे पास टेन तो अब टेन को आई कैन सिंपली राइट देखो टेन को हम लिख सकते हैं फाइव इंटू टू फाइव और टू दोनों ही प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये हो गया जी फाइव इंटू टू अब आ जाओ जरा पैर बनाते हैं सो टू का पैर बन गया रूट से बाहर आ गया एक और टू का पैर बन गया ये भी रूट से बाहर आ गया एक और टू का पैर बना रूट से बाहर एक और पैर बना ये भी रूट से बाहर अंडर रूट में क्या बचा सिर्फ फाइव ओके जी सो ये हमारे पास हो गया टू टू झा फोर फोर टू झा एट एट टू सिक्सटीन सो ये आ गया जी सिक्सटीन रूट फाइव ठीक है जी समझ में आया, so, ये आ गया डायरेक्ट हमारा एरिया सो so, यहाँ पे ना तो हमें हाइट निकालनी पड़ी ना कुछ बस फॉर्मूला है थोड़ी तो सी कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना और इस तरह से हम एरिया निकाल सकती हैं सो so, ये है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला पूरा चैप्टर इसी के ही अराउंड रिवॉल्व करेगा आपको एरियाज निकालने होंगे यूजिंग जी समझ में आया जितने ज्यादा क्वेश्चंस करते जाएंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर्मुला भी याद हो जाएगा कैलकुलेशंस भी समझ आ जाएंगे ठीक है अब हम बढ़ते हैं अपने ऑफ कोर्डिलेटर so, अब वो कह रहे हैं कि इस हीरोटर का एरिया भी निकाल सकते हो कैसे सिंपल है देखो कोई भी कॉर्डिलेटर हमारा होता है फोर साइड्स का होता है अगर हम बीच में उसके डायगोनल को कर दें ज्वाइन तो वो क्वाड्रिलेटरल हमेशा दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है सिंस पे दो ट्रायंगल्स है तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के ऐड कर दो सो so हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया जाएगा सो आई कैन राइट इट एज अब लेट्स सपोज एरिया ऑफ ए बी सी डी निकालना है हमें सो दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी एक ट्राइंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ बी सी डी ठीक है जी ये दो हो गया हमारे पास अब यहाँ पे देखो इस केस में अगर हम देखें तो ये जो कॉर्डिलेटरल है इसकी सारी साइड्स इक्वल है एंड डायग्नल है सो तो जो एरिया मैं इस ट्राइंगल का निकालूंगी वही एरिया इस ट्राइंगल का होगा तो मतलब हमें एक ही बार निकालने की जरूरत है लेट्स स्टार्ट विद एरिया ऑफ लेट्स सपोज एपी निकाल रहे हैं हम सो अगेन रोस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो फार्मूला लिख लेते हैं एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी क्लियर है अब देखो यहां पे अगर पहले तो एबीसी लिख देती हूं मैं एक साइड है हंड्रेड दूसरी अगर हम देखें एक और हंड्रेड है तीसरी अगर हम देखें तो वन सिक्स है तीन साइड्स है सेमी सेमीपेरीमीटर निकाल लो हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस वन सिक्सटी अपॉन में टू ऐड कर लेते हैं थ्री सिक्सटी हो जाएगा ये प्लस करेंगे तो अपॉन में टू है सो दैट विल बी वन एटी ठीक है जी क्लियर है एस हमारे पास आ गया वैल्यूज को करते हैं फुट सो एस है वन एटी नेक्स्ट होगा वन एटी माइनस ए क्या है हंड्रेड देन वन एटी माइनस बी क्या है हंड्रेड अगेन एंड देन अगेन वन एटी माइनस सी क्या है 160. ठीक है ये सब अंडर रूट में है सो नाउ सॉल्व करते हैं इसको वन एटी को एज इट इज रहने दो वन एटी माइनस हंड्रेड एट्टी हो जाएगा सिमिलरली वन एटी माइनस हंड्रेड एट्टी अगेन वन एटी माइनस वन सिक्सटी जीरो में से जीरो गया जीरो एट में से सिक्स गया टू ठीक है क्लियर है यहाँ तक अब यहाँ पे अगेन प्राइम फैक्टर्स करते हैं लेकिन एक चीज देखो 80 और 80 का ऑलरेडी पेयर बना हुआ है तो इसको प्राइम फैक्टर करेंगे ही नहीं हम ठीक है ना 80 का पेयर है पूरा बाहर चला ही जाएगा स्टार्ट करते हैं 180 एटी से इसको पूरा फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है देखो आई कैन डाइट इट एज सिंपली मैं जितना सिंपल हो सके ना उस तरह से आपको ब्रेक करके दिखाती हूँ वन को आई कैन डाइट एटीन इंटू लिख सकती ठीक है ये नाउ 18 भी प्राइम नंबर नहीं है 10 भी प्राइम नंबर नहीं 10 को फर्दर आई कैन राइट फाइव इंटू टू दो प्राइम मिल गये, ना इसको आगे कर सकती हूँ ना मैं इसको आगे कर सकती हूँ एटीन पे आ जाओ एटीन को आई कैन राइट नाइन इंटू टू है ना सिक्स इंटू थ्री भी लिख सकते हो जैसे मर्जी कर सकती हूँ सो टू एक प्राइम नंबर मिल गया नाइन को आई कैन फर्दर राइट इट एज थ्री इंटू थ्री तो ये भी प्राइम नंबर्स मिल गए। सो so, 180 को आई कैन राइट 3 इनटू 3 इनटू 2 इनटू 5 इनटू 2। ये है एक तरीका। अगर आपको लगता है कि मेरे को ऐसे 3 नहीं समझ आता, तो सिंपल 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, ठीक है जी? सो so, अभी के लिए हम लिखते हैं यहां पे ये मिला हमें 3 इनटू 3 इनटू 2 � ठीक है जी देन 80 का पैर है तो एट्टी इंटू एट्टी एज इट इज आप 20 को आई कैन फर्दर राइट फाइव फोर ट्वेंटी हम कर सकते हैं टू इंटू टू तो मतलब ये हो गया जी फाइव इंटू टू इंटू टू अब देखो यहाँ पैर किस किस का बना थ्री का पैर बना अभी के लिए यहां लिख मैं इसे पीछे कॉपी कर लूंगी थ्री आ गया इंटू टू का पैर बना टू आ गए सब रूट से बाहर आ रहे हैं फाइव का पैर बना जी फाइव बाहर आ गया एट्टी का पैर बना एट्टी बाहर आ गया अगेन एक और टू का पैर बना टू बाहर आ गया अब करना है मल्टीप्लाई तो थ्री टू से थर्टी थर्टी इंटू टू करेंगे तो सिक्सटी आ जाएगा इंटू एटी आ गया दिस इंटू एट्टी अब सिक्स फोर्टी एट साथ में दो जीरो अब ये जो फोर्टी एट हंड्रेड आया ये एरिया आया है हमारे पास ए ट्राइंगल का एबीडी का ऑल्सो हमें पता है एरिया ऑफ एबीडी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी सो ये हो गया जी बी सी डी ठीक है जी सो आई कैन राइट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अब जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है उसका एरिया क्या होगा इन दोनों का सम तो मतलब 4800 प्लस 4800 व्हिच विल बी इक्वल टू ये तो दोनों जीरो ही रहेंगे 8 प्लस 8 इज 16 देन 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर सो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ठीक है जी तो हिरोन तो फार्मूला की हेल्प से हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी निकाल सकते हैं सो दिस वॉज दी एंड ऑफ हमारा जो भी चैप्टर था इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है चैप्टर में सिर्फ दो ही एक्सरसाइजेस है so now वी we'll get to the exercise of the chapter but before that if there is any doubt any query please leave it in the comments below and also you can join the telegram channel jahan pe aapke jo bhi queries hai wahan pe mere se discuss kar sakte ho so now i'll see you in the next video then take care and bye bye